नमस्ते दोस्तों, विनीता कुकिंग में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों तो आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी आलू मटर की सब्जी, हरी धनिया पीस के बनाएंगे। तो हमने इधर कढ़ाई में रख दिया था तेल, तेल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे तड़के में जीरा, पहले जीरा डाल दिया है दोस्तों। जीरा हमारा देखो लाल हो गया है। इसमें डालेंगे हम तेज पत्ता, फिर इसमें हम डालेंगे बड़ी। दोस्तों देखो बड़ी, देख लो घर की बनी हुई बड़ी है, बहुत अच्छा बड़ी स्वाद आता है डालने से। बड़ी को हम थोड़ा लाल होने देते हैं, फिर इसके बाद हम बड़ी हमारी लाल हो जाए थोड़ा, फिर इसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। बड़ी हमारी लाल हो गई, इसमें हम प्याज डाल देते हैं। एक लाल मिर्चा डाल लेते हैं दोस्तों, इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है सब्जी में लाल मिर्चा डालने से। करते हैं सारी चीज को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, फिर इसके बाद इसमें सब्जी डालेंगे। अच्छे से हमारा सब चीज फ्राई हो रहा है बढ़िया से। देखो फ्राई हो गया है, इसकी सब्जी को इसमें डालते हैं। इसमें डाल के अच्छे से करा लेते हैं। इसको 10 मिनट तक दोस्तों फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद तभी इसमें हम मसाला डालेंगे, क्योंकि अभी इसमें पहले फ्राई हो जाएगा तो बहुत अच्छा लगता है। सब्जी फ्राई होने के बाद मसाला डाल के बनाओ तो ऐसे अच्छा लगता है। इसको अच्छे से कर दिया है, इसको अच्छे से फ्राई होने देते हैं। तब तक हम इधर मसाला तैयार कर लेंगे। इधर मसाला तैयार, देखो हमने दो टमाटर ले लिया है, हरी धनिया पत्ती, क्योंकि धनिया पत्ती ज़्यादा डालेंगे दोस्तों आज हरा हरा सब्जी बनाएंगे। तो हम धनिया पत्ती ले लिए हैं, इसमें इसको जाने रख दिए हैं। और इसमें देखो लहसुन मिर्चा अदरक का टुकड़ा ले लिए हैं। तो हम सब्जी काट के इसमें मिक्सर में पीस लेंगे। तब तक इधर हमारी सब्जी भुना रही है, इधर सब्जी हमारी जब भुना जाएगी तब इसके बाद हम इसमें मसाला डालेंगे। तब तक हम मसाला पीस के तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा भाजी भुना गया है, देखो अच्छा कलर आ गया भाजी में भून के। अब इसमें मसाले डालेंगे सर। हमने दोस्तों पहले देखो मसाला जो मिक्सर में पीस लिया था, हरा धनिया हरा हरा सर, इसको पहले डाल देंगे अच्छे से। इसके ऊपर से हम टमाटर देखो काट के रखे थे, इसको डाल देते हैं। हम गरम मसाला डाल देते हैं एक चम्मच, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देते हैं, एक चम्मच हल्दी पाउडर डाल देते हैं, एक चम्मच सूखा धनिया पाउडर डाल देते हैं, चार चम्मच नमक डाल देते हैं। सब चीज़ डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। मसाला मसाला जब हमारा पक जाएगा तभी से हम पानी डालेंगे दोस्तों, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। मसाले को अच्छे से मिक्स कर लो। ठंड के मौसम में दोस्तों हरा हरा धनिया पत्ती अच्छा मिलता है, इसके लिए जो भी आलू मटर का सब्जी बहुत अच्छा लगता है। धनिया पत्ती ज़्यादा डाल के बनाओ तो धनिया का खुशबू और स्वाद बहुत अच्छा लगता है। कितना अच्छा हरा हरा हमारा भाजी दिख रहा है। मसाला को हम पकने देते हैं दोस्तों, मसाला हमारा पक जाएगा फिर उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। तो दोस्तों हमारा मसाला देखो सब्जी में पक गया है, अब इसमें हम पानी डालेंगे। देखो हमारा मसाला कढ़ाई में लग रहा था नीचे, अब इसमें हम
पानी डालेंगे, पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे दोस्तों, सब्जी के बराबर पानी डालेंगे क्योंकि ज़्यादा हमें ग्रेवी नहीं चाहिए, थोड़ा ग्रेवी बनाएंगे। सब्जी के बराबर हमने पानी डाल दिया है। तो इसको हम ढक देते हैं, ढक के अच्छे से पका लेंगे क्योंकि इसमें हमने धनिया पत्ती पीस लिया था दोस्तों। ऊपर से हम धनिया पत्ती नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारा धनिया पत्ती हमने पीसा था पहले से, सब चीज़ हम इसमें डाल के पहले से मिक्स कर लिए थे। अब इसको रख देते हैं पकने के लिए। देख लीजिए हमारी सब्जी कैसी लग रही है, पकने के बाद आप लोग को दिखाते हैं कैसी बनी हमारी सब्जी। दोस्तों हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है। देखो हमारी सब्जी कैसी बनी है, गोभी आलू मटर का हरी धनिया पीस के हमने बनाया था। तो अब हम इसको खाने के लिए निकाल लेते हैं। देखो हमने चावल लगा लिया है थाली में, अब इसमें हम निकाल लेते हैं खाने के लिए। हमारी सब्जी कैसी लग रही है दोस्तों, आज का हमारा ये गोभी आलू मटर का सब्जी अच्छा लगे तो चैनल को हमारे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना दोस्तों। अच्छा लगे कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा बना हमारा गोभी आलू मटर का सब्ज़ी। मिलते हैं दूसरी वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।